स्टूडेंट्स वेलकम बैक बीबीबीएन ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे चतुर्दश पाठ अह आह च। यानी अह का मतलब है ये पीड़ा सूचक शब्द होते हैं। इनको कोई कष्ट होता है, पीड़ा होती है, अगर हमें कोई चोट लग जाए तो ओ आ ऐसे बोलते हैं ना, तो अह ओ है होता है इसका और आ आहा, ठीक है। च का मतलब होता है और, ओ है और आहा, ठीक है। ये पीड़ा सूचक शब्द है। तो पढ़ते हैं, अजीज है सरल, सरल है परिश्रमी च आसित। अजीत नाम का कोई एक लड़का होता है, वो बहुत ही सरल और परिश्रमी अर्थात मेहनती होता है। सह स्वामिनः यानी उसका मालिक, वो कहीं काम करता होगा तो उसका मालिक है कोई। सह स्वामिनः एव सेवाया लीन आसित। वह जो है अपने मालिक की सेवा में ही क्या होता है, लीन होता है, हमेशा उसी में मशगूल रहता था। एकदा एक बार, सह गृहं गन्तुम् अवकाशं वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है, छुट्टी की इच्छा करता है, अवकाश चाहता है। स्वामी चतुर है आसीत, उसका जो स्वामी है, मालिक है, वह बहुत चालाक था। सह चिंतयति, वह सोचता है। अजीज इव न कोऽपि अन्य कार्य कुशलः, यानी अजीज की तरह, इव न इव यानी की तरह, न नहीं कोऽपि कोई भी अन्य दूसरा कार्यकुशल नहीं है, उसकी जैसा कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है, कार्यकुशल नहीं है। ऐसे है अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति, यह तो क्या है, इतना कार्यकुशल है कि अवकाश का भी वेतन ग्रहण करेगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति, और चिंतित होकर स्वामी कहता है किसको, अजीज को। अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, कि मैं तुम्हें, तुभ्यम तुम्हें अवकाशस्य तुम्हारी अवकाश का और वेतन का सबका धन दूंगा, सर्व सारा धन दूंगा, दास्यामि दूंगा। परम परंतु इधर अर्थम इसके लिए, त्वम तुम्हें, वस्तु द्वयम आनये, दो वस्तु लानी होगी, कौन कौन सी, अह और आह च इति। यानी अह और आह दोनों वस्तुएं तुम्हें, ओ है और आह ये वस्तुएं आपको लानी होगी। एतत् श्रुत्वा अजीज है वस्तु द्वयम् आनेतु निर्गच्छति, वो देखिए मालिक उसको बेवकूफ़ बना रहा है, ये वस्तुएं कोई लाने की थोड़ी ना, ये तो फील की जाती है, कष्टदायक शब्द है, लेकिन बच्चे को वो बेवकूफ़ बना रहा है। तो एतत् श्रुत्वा यह सुनकर अजीज, वो भोला सा रहता है, अजीज है वस्तु द्वयम् आनेतु निर्गच्छति, वो दो वस्तुएं लाने के लिए चला जाता है। स इत स्ततः भ्रमति, इधर उधर, इत स्ततः इधर उधर घूमता है, भ्रमण करता है। जनान पृच्छति लोगों से पूछता है, आकाशम पश्यति आकाश की ओर देखता है, प्रार्थयति आकाश की ओर देख करके प्रार्थना करता है। परम परंतु सफलता नहीं वह प्राप्त होती, परंतु क्या है, सफलता नहीं प्राप्त होती है। चिंतयति चिंता करता है, परिश्रमस्य धनम स नैव प्राप्स्यति, कि मेरी जो मेहनत का जो धन है वह मैं नहीं प्राप्त कर सकूँगा, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वस्तु उसको नहीं मिल रही है, तो मालिक तो उसको देगा नहीं। कुत्र चीत एका वृद्धा मिलती, तो कहीं पर क्या है, एक वृद्ध महिला उसको मिलती है। सह ताम सर्वथा सर्वथाम व्यथा श्रावती, वह उसको अपनी सारी व्यथा जो है, पीड़ा जो है, उसको सुनाता है। सा विचारयति, वह विचार करती है, सोचती है, स्वामी, वो सुनकर बूढ़ी है तो समझ गई कि स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, कि इसका जो स्वामी है वो बड़ा चालाक है, वो इसको इसका धन देने का इच्छुक नहीं है, वो नहीं देना चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है इसको धन देने की। सा तम कथयति, तो वह उसको कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, कि मैं तुम्हें वो दो वस्तुएँ दूँगी। परम परंतु द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु दोनों ही वस्तुएं जो है बहुमूल्य का, बहुत मूल्यवान है, कीमती है। प्रसन्न है, वो प्रसन्न हो जाता है। सह स्वामीन समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वह स्वामी के समीप आ जाता है। अजीज दृष्ट्वा स्वामी चकित भवति, यानी अजीज को देखकर वो तो सोचे ना वो चीज़ें नहीं मिलेगी तो नहीं आएगा, है ना, तो चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज रह जाता है। स्वामी सनई सनई पेटिका उद्घाटयति, यानी धीरे धीरे पेटिकाओं को, बॉक्सेस को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयमासीत, जो पेटिका है उसमें दो छोटे और छोटे छोटे बॉक्स हैं, पात्र हैं थे। प्रथमम स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, जो प्रथम है सबसे पहले एक छोटा जो पात्र होता है उसको खोलता है, उद्घाटयति खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिता मधुमक्षिका निर्गच्छति, उसमें सहसा एक मधुमक्खी निकलती है, बी निकलती है, यानी बी जो होती है मधुमक्खी, वो निकलती है। तस्य से हस्तम दशति, वह क्या करती है, उसके हाथ को डस लेती है, दशति डस लेती है हस्तम। स्वामी उच्चई जोर से, स्वामी उच्चई वदति, अह जोर से चिल्लाता है, ओ है ना,
है, जोर से चिल्लाता है। द्वितीय लघु पात्रम उद्घाटयति और दूसरा छोटा पात्र खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति और एक अन्य मक्षिका और निकलती है। सह ललाटे दशति, वो उसके ललाट पर माथे पर दशती है यानी डसती है। पीड़ित है, पीड़ित होकर सह अति ऊँचे अत्यंत ऊँचे स्वर में चित करोती, चित्कार करता। आ इति यानी उसे अह है और आ है दोनों मिल जाते हैं। दोबारा चित्कार करेगा तो क्या निकलेगा? आ, जोर से, ठीक है। अजीजे सफला आसित, अजीज अपने कार्य में सफल हो जाता है तो उसके लिए उसको स्वामी तस्मयी अवकाश से वेतन से च पूर्ण धनम दधाती, उसके अवकाश का और वेतन का जो भी पूर्ण धन था, सारा धन था, वो उसको दे देता है, उसको सबक मिल जाता है। ठीक है, आपका चैप्टर पूरा होता है, क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।